गाइज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम बात करने वाले हैं लिनोवा आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप के बारे में, जिसका टच पैड काम नहीं कर रहा है। शायद आपने भी अपना लैपटॉप फॉर्मेट किया होगा और आपका टच पैड काम नहीं कर रहा होगा। तो गाइज इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ही ईजी स्टेप है। जो स्टेप आपको देखना है, या देख सकते हैं आपके सामने ये लिनोवा आइडिया पैड स्लिम 3 मॉडल नंबर है इस लैपटॉप का, जिसका टच पैड ना काम नहीं कर रहा है। तो ये किस तरीके से करेगा, आप देख सकते हैं ये हमारा टच पैड है और यहाँ मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ आपको पॉइंटर दिखाई देगा इस तरह से, जो कि वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर टच पैड को मूव कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। सो ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में हम जो है देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही इजी स्टेप है। उसके लिए आपको क्या कर लेना है, बाहर का माउस लगाना है। बाहर का माउस अगर आप लगाते हैं तो आपका ये जो टच पैड है इसके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर के माउस से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बाहर का माउस आप लगाएंगे अपने लैपटॉप में, अपने यूएसबी में आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है माई कंप्यूटर पर। माई कंप्यूटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और आपको राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ आपको मिल जाता है मैनेज ऑप्शन, जिस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। इसके बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजर पर। जैसे ही डिवाइस मैनेजर पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको कहाँ जाना है, इसमें आपको जाना है कीबोर्ड ऑप्शन पर। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर जो है येलो कलर में, आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ लिखा होगा लिनोवा कीबोर्ड डिवाइस, येलो से आपको हाईलाइट कर रहा होगा। यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड लिखा है, लेकिन इसके ऊपर आपको मिल जाएगा जो है लिखा हुआ लिनोवा कीबोर्ड डिवाइस, जो कि येलो से होगा। आपको उस पर क्या करना होगा, उस पर राइट बटन क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ आप पर इसके बाद आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, डिवाइस मैनेजर पर आपको जाके क्लिक कर देना होगा, अपडेट ड्राइवर पर आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर। और इसके बाद आपको इस तरह से विंडो दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जो है इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माई कंप्यूटर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से विंडो दिखाई देगा। मेरा यहाँ पर लिखा आ रहा है लिनोवा कीबोर्ड डिवाइस इस तरीके से येलो कलर में, आपको यहाँ पर मिल जाएगा I2C HID। गाइज यहाँ पर चूंकि मेरा ड्राइवर इंस्टॉल है इसलिए आपको वह ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा I2C HID Device इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको क्या करना होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सर्च करेगा वो, और यहाँ आपको देखिए इस तरीके से लिनोवा कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है आप में। और इसके बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है उसको क्लोज कर देंगे। ये आपसे रीस्टार्ट करने के लिए पूछता है, आप अगर ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं तो ये पूछेगा डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, तो आप जो है यहाँ से यस करके इसको रीस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे आपका जो टच पैड है वर्क करने लगेगा। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ नो और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑप्शन को जो है कैंसिल। और फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पर बड़ी ही आसानी से अपने टच पैड को वर्क में ले सकते हैं। यहाँ पर आप टच पैड को मूव करेंगे और आपका जो ये पॉइंटर है ये आपका काम करने लगेगा। और इस तरीके से जो है आप अपने लैपटॉप के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा अगर टच पैड काम नहीं कर रहा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये भी ध्यान देना है कि आपका अगर F6 बटन पर आपको मिल जाता है टच पैड का लॉक करने का सिस्टम, यहाँ देख सकते हैं F6 बटन है जो आपको लॉक करने का सिस्टम देता है। कभी कभी लोग इसको प्रेस कर देते हैं गलती से या किसी रीजन से बंद हो जाता है, तब भी आपका ये जो टच है ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया है,
तो ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टच पैड को इस तरीके से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका यहाँ से लॉक है तो आप इस टच पैड को यहाँ से आप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पॉइंटर काम कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से टच को अगर आप यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये पॉइंटर काम कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका टच पॉइंट ये वर्क कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो लिनोवा आइडिया पैड स्लिम 3 में, जो कि 10 जनरेशन का लैपटॉप है, कोर i3 का है, तो आप बड़ी ही आसानी से जो है आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने इस टच पैड के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।